बैरसिया सॉल्यूशन हब का शुभारंभ विधायक विष्णु खत्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम में किसान सभा ऐप कार्ड के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैरसिया सॉल्यूशन हब के संचालक मोहित गुप्ता तथा बैरसिया तहसील चैनल पार्टनर माँ दुर्गा इंटरप्राइजेज रेंज चौराहा मनीष साहू राजेंद्र साहू के माध्यम से किसान सभा ऐप के कार्ड बनाए जाएंगे। किसान सभा ऐप योजना भारतीय किसानों की जरूरतों को देखते हुए CSIR भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया मोबाइल ऐप है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को किफायती और सही समय पर सहायता प्रदान करना है, जिससे किसानों की आय दोगुनी की जा सके तथा भारतीय किसानों को स्वावलंबित बनाया जा सके। ऐप किसानों, ट्रांसपोर्टरों, मंडी डीलरों, ग्राहकों, कोल्ड स्टोरेज, कीटनाशक दवाओं के विक्रेता, उर्वरकों, खादों के विक्रेता, बड़े खुदरा दुकानदारों, ऑनलाइन स्टोर, संस्थागत खरीदारों एवं अन्य संबंधित सेवाओं को एक दूसरे से जोड़ना है। ये किसानों के हित के लिए रखा गया है। शासन की जो प्रधानमंत्री की जी की जो योजना है, तो उसके अंतर्गत इसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, जिसमें विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों को जोड़ा गया है जो एक छत के नीचे काम करेंगे। जैसे किसान हैं, मंडी डीलर हैं, आपके ट्रांसपोर्टर हैं और आपके जो सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं, इनको साथ में जोड़ा गया है। और इस विषय में जो पूरा हमने फ्रेंचाइजी दी है मोहित गुप्ता जी को दिया है पूरा भोपाल का काम, जिसकी शुरुआत इन्होंने आज यहाँ से की है। इसका उद्देश्य क्या है आपका? इसका उद्देश्य ये है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों और बिना खर्चे के लाभान्वित हों, ज़्यादा परेशानी ना हो, उनको उर्वरक सस्ते भाव में अच्छी किस्म की मिल जाए, उनको ट्रांसपोर्टर की सुविधा भी बहुत अच्छे से मिल जाए और उनको डीलर भी अच्छे मिल जाएं, जो अपना माल अपने रेट के हिसाब से वो बेच सकें। अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट एक सीमित रेट पे ख़रीदती है माल, हो सकता है उनका जो माल है बेहतर क्वालिटी का हो और वो उसको बेहतर रेट में बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए इससे लाभ उनको बहुत आसानी से होगा और उसके लिए उनको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का कार्ड बनाया जा रहा है किसानों के लिए, जो ऑटोमेटिकली QR कोड के माध्यम से एक्टिव होगा। इसकी जो वैलिडिटी है वो मैक्सिमम 3 साल की है और 3 साल तक इस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।